जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत लोगों को इतना ना ज्यादा भा रहा है, इसलिए भारतीय रेलवे नए नए रूटों का इजाद कर रही है और उस पर वंदे भारत का परिचालन शुरू करने जा रही है, जिसमें एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलखंड पर भी वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसको भारतीय रेलवे इस रूट पर भारतीय रेलवे कब तक वंदे भारत का परिचालन शुरू कर रही है और आने वाले समय में आपको और इस रूट पर भारतीय रेलवे का क्या प्लान है, इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को खूब भा रहा है, यही वजह है कि रेलवे नए नए रूटों पर ट्रेनों का संचालन करती जा रही है। हाल ही में कश्मीर में वंदे भारत के संचालन की घोषणा की गई है। इसका सफर देश भर में संचालित अन्य वंदे भारत से बिल्कुल अलग हो, लेकिन वहाँ पर सर्दियों में बर्फबारी इतनी अधिक होती है तो ऐसे में वंदे भारत का संचालन कैसे किया जा सकता है, रेलवे ने इसका भी उपाय ढूंढ लिया है। यानी यहाँ भी अन्य रूटों की तरह वंदे भारत फराटा भरने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे इस बर्फबारी में वंदे भारत कैसे फराटा भरने वाली है, चलिए जानते हैं। हाल ही में उधर बारामूला के बीच 49वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवंटित की गई है। जैसे ही जम्मू और बारामूला के रेलवे लिंक बनकर तैयार हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस बारामूला को श्रीनगर से जोड़ देगी। मौजूदा समय उधमपुर श्रीनगर बारामूला ट्रैक निर्माण का काम चल रहा है। इस रूट पर चिनाब ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि 2024 चुनाव से पहले यहां पर वंदे भारत का संचालन शुरू हो जाए। यहां पर सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होता है। अब यहां सवाल उठने लगा है कि ट्रैक पर बर्फबारी में वंदे भारत का संचालन निर्बाध कैसे किया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके लिए योजना बना ली गई। वंदे भारत ट्रेन के आगे आगे स्नो क्लीनर चलेगा जो ट्रैक से बर्फ को हटाता रहेगा और पीछे पीछे वंदे भारत अपनी स्पीड से दौड़ती रहेगी। तो दोस्तों भारतीय रेलवे अब कश्मीर में भी वंदे भारत का परिचालन शुरू करने जा रही है और इस रूट पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भारतीय रेलवे को इस रूट पर करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक पर बर्फबारी हो जाता है, जिसमें ट्रेन को चलाना असंभव सी बात होता है। इसके लिए भारतीय रेलवे अब वंदे भारत का परिचालन इस रूट पर शुरू करने जा रही है। उससे पहले ही उसका निष्कर्ष यानी कि उपाय निकाल कर बैठ गई है कि वंदे भारत के निर्बाध परिचालन के लिए इस रूट पर आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बर्फ को हटाने के लिए स्नो क्लीनर का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा कि ट्रेन आने से पहले आगे आगे एक और बर्फ को हटाने वाली एक गाड़ी होती है जिसका परिचालन भारतीय रेलवे उस पर शुरू करेगी और आगे आगे बर्फ को हटाती जाएगी और वंदे भारत अपनी पूरी रफ्तार में। फिलहाल इस रूट पर जो भी काम बाकी है उसको भारतीय रेलवे फटाफट से पूरा कर रही है और अगले साल चुनाव से पहले भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू करने का दावा कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।